No, 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 no. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों जब भी जुगाड़ की बात आती है तो भाई सबसे पहले नाम आता है इंडिया का, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के जुगाड़ के मामले में कोई तोड़ है ही नहीं। कभी कभी तो ये ऐसे जुगाड़ कर देते हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट की भी खोपड़ी घूम जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जुगाड़ दिखाएंगे जिनको देखकर आपकी भी हंसते हंसते खोपड़ी घूम जाएगी, और इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं। लेकिन बॉस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि भैया आखिर में ही तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बसों में या फिर कहीं दूसरे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अक्सर लड़के भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसे कपड़ों का इन्वेंशन हो चुका है, अगर गलती से भी कोई इन कपड़ों से टच हो गया तो सीधे ही उसको 440 वोल्ट का झटका सहना होगा। No, 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 no. क्यों हिला डाला ना? दोस्तों पक्का यहाँ पर कुछ कुटरगु चल रही है। क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं? अगर हाँ तो भैया बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असलियत तो कुछ और है। जरा देखिए तो सही। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों मेरा दोस्त कुछ दिनों पहले बहुत ही शानदार चप्पल लाया था और मुझे भी वो काफी ज्यादा पसंद आई। मैंने तो उनकी वीडियो बनाकर इंस्टा पर पोस्ट भी कर दी। अब भाई पता नहीं गोविंदा जी को ये वीडियो कैसे पहुंच गई, और पहुंची तो पहुंची, लेकिन गोविंदा जी भी इन चप्पल के इतने ज्यादा दीवाने हो गए कि इसे अब खरीदना चाहते हैं। लेकिन मेरा दोस्त है कि बेचने को तैयार ही नहीं है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा, मैं फिर भी तैयार नहीं। दोस्तों साइकिल को कोई चोरी ना कर सके इसलिए लोग उस पर ताला लगा देते हैं, लेकिन भाई चोर तो चोर है, वो तो ताला तोड़कर भी साइकिल चुरा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ऐसी कोई जुगाड़ी साइकिल है तो भाई फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों सच में अगर गलती से भी कोई साइकिल के ऊपर अगर बैठ गया ना तो भाई साहब उसका तो पिछवाड़ा कटे हुए टमाटर जैसा हो जाएगा। दोस्तों अगर कभी आपसे कोई पूछे कि तुम्हें जिंदगी में कितना सुकून चाहिए, और अगर उस टाइम आपको इस सवाल का कोई जवाब ना मिले तो भैया आप उसे ये फोटो दिखा देना कि बस मुझे जिंदगी में इतना सुकून चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो अपन तो इस चचा जैसे ही मस्ती में होना चाहिए। दोस्तों गर्मी का टाइम हो, ठंड का टाइम हो या फिर बारिश का, इन तीनों ही मौसम में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मियों के दिनों में तो लू लग जाती है, और ठंड में हमारा बर्फ जम जाता है, और बारिश में तो हम बीमार ही पड़ जाते हैं। अब इन तीनों ही सिचुएशन को देखकर हमारे भारत के एक होनहार कलाकार ने इतना बढ़िया जुगाड़ तैयार किया है, यानी कि इस भैया ने तो बाइक को ही बस बना डाला। अब तो भैया बारिश हो या फिर ठंड हो या फिर गर्मी ही क्यों ना हो, ड्राइवर साहब तो मस्ती में रहेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। भाई अगर दो कपल बाहर कहीं घूमने जाते हैं और उनको अगर वहाँ पर अपनी फोटो खिंचवानी हो तो वो क्या करेंगे? या तो वो खुद सेल्फी ले लेंगे या फिर किसी और को कहेंगे अरे भैया मेरी एक सेल्फी तो खींचना। अब दोस्तों ऐसा काम तो हमारे टाइप के लोग ही करते हैं, लेकिन अब जरा आप इस वीडियो को देखिए, ये दो जुगाड़ी कपल कहीं बाहर घूमने गए हुए थे और इनको साथ में फोटो क्लिक करना था,
जिसके लिए किसी के सामने मिन्नते ना करनी पड़े। तो इन्होंने खुद से ही जुगाड़ लगाकर फोटो ले ली। सबसे पहले तो इस जुगाड़ी भाई ने अपने शूज के लेसिस में अपना मोबाइल फंसा लिया और फिर टाइमर लगाकर फोटो क्लिक करने लगता है। इसे बोलते हैं असली देसी जुगाड़। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हमें ये बताएं कि भैया आपको वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह थिएटर में फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो भाई आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि थिएटर में हम लोग अपने खाने पीने की चीजें नहीं ले जा सकते। और अगर मूवी देखते वक्त पेट में चूहे भागना शुरू कर दें, तो भैया फिर हमें वहां से खाना ऑर्डर करना ही पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा महंगा देते हैं। अब दोस्तों, यही बात इन्होंने भी सोची कि मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खाने का तो मजा कुछ अलग ही होता है, लेकिन वहीं वो 50 रुपए के पॉपकॉर्न के 500 रुपए ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज से बचने के लिए इन मोहतरमा ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि जिसका क्या ही कहना। हम बॉटल के अंदर पॉपकॉर्न भर के लेके जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पॉपकॉर्न मिलते हैं 500 रुपए के, और हम लाए हैं 25 रुपए का फैमिली पैक। पहली बार हमें मूवी की सिक्योरिटी लाइन में इतना डर लग रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाने की इतनी जल्दी है और रास्ते में कहीं आपके बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है पहले तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, फिर आप सोचेंगे भाई कि पेट्रोल पंप पर जाकर बोतल में क्यों ना पेट्रोल भरवा लिया जाए। लेकिन वहां जाने के बाद हमें पता चलता है कि पेट्रोल पंप तो बोतल में तेल देते ही नहीं है, फिर तो भैया आधा खून और जल जाता है। पर एक जनाब ने गजब का जुगाड़ कर निकाला। उन्हें पता चला कि पेट्रोल पंप वाले बोतल में तो तेल देंगे नहीं, तो बंदे ने कुछ ऐसी गजब की ट्रिक अपनाई जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बोतल डिब्बे में पेट्रोल नहीं मिलेगा भाई जी। भाई इधर देखियो, बोतल डिब्बे में नहीं मिलेगा तो क्या लेके आए भाई? पूरी टंकी खोल लाया भाई। दोस्तों, मुकेश अंबानी को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और अनिल अंबानी को भी जानते ही हैं, दोनों भाई भाई ही हैं। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के अलावा इनका कोई तीसरा भाई भी है, और अगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन है तो दोस्तों वो ये रहा। अब आप ही बताओ, इसे हम मुकेश अंबानी का तीसरा भाई ना कहें तो फिर क्या कहें? मतलब ये डीजल तो ऐसे भरवा रहे हैं जैसे कोई पानी का टैंकर भरवा रहे हो। दोस्तों, अब जरा आप इन नन्हे से कलाकार से मिलिए। इसने अपनी साइकिल से घंटी को हटाकर उसकी जगह पर एक ऐसा जुगाड़ी हॉर्न लगाया कि भाई साहब इसकी आवाज सुनकर अच्छे अच्छों के कान फट जाएंगे। सच में इस बच्चे के ऐसे टैलेंट को तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आजकल लोग लगभग हर एक चीज को मॉडिफिकेशन करवाने लगे हैं, यानी कि जो चीज वो खरीदते हैं उसको और आकर्षक बनाने के लिए उसमें कई तरह के परिवर्तन करा देते हैं। अब जैसे कि आप इन जुगाड़ी चाचा को ही देख लीजिए, कैसे इन्होंने अपनी बोली वाली राम प्यारी को एक स्टैंडर्ड राम प्यारी बना दिया, और देखो तो सही कैसे चश्मा लगाकर ओहो हो मतलब एकदम से धूम 3 के हीरो लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि जरा आप इस फोटो को देखिए, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये मोबाइल चार्ज भी हो रहा है या फिर नहीं? तो जरा अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।